हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप काल बैकग्राउंड में अपना खुद का फोटो लगाना चाहो तो किस तरीके से आप लगा सकते हो। जैसा कि यहां पर फ्रेंड्स मैंने अपने काल बैकग्राउंड में अपना खुद का फोटो लगाया है, इसी तरीके से अगर आप भी अपने काल बैकग्राउंड में फोटो लगाना चाहते हो तो किस तरीके से आप लगा सकते हो, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के। तो इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको अपने काल डायलर ऐप को ओपन कर लेना है। अब काल डायलर ऐप को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कीवर्ड के ऑप्शन पर इस तरीके से क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है 3 डॉट का, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। 3 डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहां पर आपको थर्ड नंबर पे सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसी सेटिंग्स के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहां पर आपको कॉल बैकग्राउंड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, या तो यहाँ पर अगर आपका कॉल बैकग्राउंड का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है फ्रेंड्स तो यहाँ पर आपको नीचे कहीं पर भी आपको कॉल बैकग्राउंड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको कॉल बैकग्राउंड के ऑप्शन पर ही क्लिक कर देना है। कॉल बैकग्राउंड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहां पर आपका बैकग्राउंड का ऑप्शन नीचे देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहां पर आपको एक प्लस का आइकन देखने को मिल जाएगा, इसी प्लस के आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। अब प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप अपने गैलरी में ओपन हो जाओगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से जिस भी फोटो को अपने कॉल बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं उस फोटो को यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसा कि मान लीजिए फ्रेंड्स मैं यहाँ से एक फोटो ले लेता हूँ अपना इस तरीके से, जैसा कि ये वाला फोटो ले लेता हूँ, तो इस तरीके से आप भी क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सेट अस एक कॉल बैकग्राउंड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। सेट अस कॉल बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कॉल बैकग्राउंड अप्लाइड लिखा हुआ आ जाएगा, उसके बाद आपके कॉल बैकग्राउंड में ये फोटो लग जाएगा। अब किसी का कॉल आएगा फ्रेंड्स तो इस तरीके से आपके कॉल बैकग्राउंड में फोटो आपका दिखाएगा, और आप किसी के पास कॉल भी करोगे तो आपके कॉल बैकग्राउंड में आपका खुद का फोटो देखने को आएगा। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो कि पहले मेरे कॉल बैकग्राउंड में दूसरा फोटो लगा था, अब यहां पर मेरा दूसरा फोटो लग चुका है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप अपने कॉल बैकग्राउंड में फोटो लगा सकते हो अपने खुद का। तो फ्रेंड्स ये रही छोटी सी जानकारी, अगर आपको जानकारी थोड़ा सा भी हेल्पफुल और नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।